देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय लोकतंत्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है। पिछले काफ़ी सालों से, जब से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, माननीय मोदी जी ने इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है और माननीय वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को लगातार हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने सरदार सरोवर में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनवाई और उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देश ने दी। पूरे देश के हर गांव से लोहा इकट्ठा करके उस प्रतिमा का निर्माण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा जीवन देश के लिए अर्पित किया, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, आप हम सभी जानते हैं, सैकड़ों के हिसाब से छोटी बड़ी रियासतें देश में थी जहां राजा रजवाड़े नवाब देश में राज किया करते थे। पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरदार पटेल पे सौंपी गई कि उन सभी रियासतों को भारतीय संघ में विलय किया जाए। और ये सरदार पटेल ही थे कि जिन्होंने इन सभी छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय लोकतंत्र में शामिल किया। आप जान सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। अरे वो सारे का सारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। आज वही बोले आ गया यार।